तेरा मेरा है प्यारे अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या गरिमा। इतनी छोटी बच्ची की इतनी प्यारी आवाज, पाकिस्तान की सुपरस्टार फिजा बतूल मौजूद हैं। फिजा जब सिर्फ 5 साल की थी, इन्होंने तब से सिंगिंग स्टार्ट की थी। नेस्कैफे विश में फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया था। कौन सा गाना गाया था? प्यार दिया गल्ला। ये बताएं, कौन सी सिंगर आपकी रोल मॉडल है? एक होता ना, आप उसको माइंड में रख के गाना गाते हैं, कौन है वो? वैसे तो मैडम नूरजहां इंस्पिरेशन है, मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। मैं ना मिला के उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं। एक डोंकी राजा फिल्म आई थी ना, तो उसी तरह से ना एक और एनिमेटेड मूवी आ रही थी ना, तो उस मूवी में भी मैं गा चुकी हूँ। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मैंने मेडल विन किया हुआ है। ISPR जो पेड़ होती है ना 23 मार्च को, उसमें भी मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पाकिस्तान के जिस भी बच्चे में, बच्ची या बच्चे में जो भी टैलेंट है, तो उसके पेरेंट्स को उसके साथ बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको वो टैलेंट बाहर लाना चाहिए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वजीहा बास फ्रॉम न्यू डिजिटल। आज मेरे साथ पाकिस्तान की सुपरस्टार फिजा बतूल मौजूद हैं, जो कि सिर्फ 12 साल की हैं। और अगर आप इनकी आवाज़ सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी छोटी बच्ची की इतनी प्यारी आवाज़। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक और बात मैं बताती हूँ कि फिजा जब सिर्फ 5 साल की थी, इन्होंने तब से सिंगिंग स्टार्ट की थी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर फिजा से उनकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप तो इतनी छोटी सी, इतनी प्यारी सी हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कैसे ही आपके सिंगिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी? जब मैं 5 ईयर्स की थी ना, तब मेरे भाई गाते थे ना, तो उनको देख देख के ना, बस पूछना घर में प्रैक्टिस वगैरह कर रहे, तो उनको देख के ना मैं थोड़ा गुनगुना रही थी ना, तो उन्होंने मुझे सुना कि मैं इतना प्रॉपर, इतना सही तो मैं नहीं गा रही थी, लेकिन मैं गा रही थी ना, उनको जैसे फॉलो कर रही थी ना, जैसे वो गाए ना, तो ना उन्होंने मुझे देखा ना कि इसमें मतलब सिंगिंग का कुछ टैलेंट मेरे में है थोड़ा ना, तो मुझे अकेडमी लेके गए ना, तो सुतार म्यूजिक अकेडमी ना, तो वहाँ पर मैंने जब सर को सुनाया ना, तो उनको भी मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ना, तो फिर तब से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया ना, फिर तब से मैंने अपनी सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, फिज़ा नेस्कैफे में भी आपने परफॉर्म किया था और फिज़ा ने धूम मचा दी थी अपनी पहली परफॉर्मेंस पे, तब 6 साल की थी ना। तो नेस्कैफे में आप किस तरीके से आई थी? वहाँ पे वैसे अभी जब मैं 5 ईयर्स की थी ना, तब थे जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे ना, सर जुल्फी, वो आए थे हमारी हमारी अकेडमी, आए थे ऑडिशन्स लेने ना, तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी ना, तो फिर उसी तरह से फिर मैंने नेस्कैफे विश में फ़र्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया था। कौन सा गाना गाया था? प्यार दिया गल्ला। प्यार दिया गल्ला सुनाएंगी हमें प्लीज़? वो अपना पार्ट मेरा है ना, वो आपको बता दूँ, ठीक है? प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, 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 प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, होए प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला। अरे वाह माशाल्लाह, जिस तरह खुद प्यारी है, उस तरह आवाज़ भी बहुत प्यारी है। अच्छा, इसके बाद जब परफॉर्म कर दिया था, उसके बाद क्या मिला था आपको? वहाँ पे मुझे बहुत सारे ना टीवी शो से मुझे बहुत सारे कॉल थे, इंटरव्यूज़ वगैरह हुए मेरे। फिर जो अशार शाह है ना, उनके एक डोंकी राजा फिल्म आई थी ना, तो उसी तरह से ना एक और एनिमेटेड मूवी आ रही थी ना, तो उस मूवी में भी मैं गा चुकी हूँ ना, तो फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। और ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मैंने मेडल विन किया हुआ है। और इस तरह से ISPR जो पेड होती है ना 23 मार्च को, उसमें भी मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब मैं सुन रही हूँ इतनी सी और ये इतना कुछ किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। और अब आगे कोई फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जो मतलब ये चल रहे हैं आपके, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह? हाँ जी, फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि बस बहुत अच्छा, बस मैंने सिंगर बनना है ना बड़े होके, तो उसके साथ साथ सिंगिंग तो मैंने कंटिन्यू की हुई है, सिंगर इंशाल्लाह बनने, तो उसके साथ साथ मुझे वेटनरी सर्जन बनने का ज़्यादा शौक है ना, तो वो भी इंशाल्लाह बनूंगी। आजकल कहाँ से सीख रही हैं म्यूज़िक?
वैसे तो पहले मैं अकेडमी जाती थी, लेकिन अब मुझे अकेडमी जाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो अब मैं भाई से ही घर में प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ, सॉन्ग्स याद कर लेती हूँ ना यूट्यूब से देख के, फिर उनको सुना देती हूँ, फिर उसकी प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं वो, तो भाई से ही घर में भी सीख रही हूँ। ऐसा हुआ है कि गाना गाते हुए भाई ने डांट दिया, फिजा ऐसे नहीं गाना, ऐसे गाना है, कितनी दफ़ा समझाऊँ तुम्हें, समझ क्यों नहीं आता है, ऐसा हुआ है? ऐसा तो बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी हूँ ना, कि एक दफ़ा अगर वो समझाते हैं ना तो मुझे समझ आ जाते हैं, तो ना वैसे कभी कभी होता है जो मतलब मुश्किल थोड़ी चीज़ें होती हैं ना, उसमें थोड़ा मुझे ना काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है ना, तो फिर उस पर भाई डांट भी देते हैं। रोना आता है? हाँ जी, सेंसिटिव तो शुरू से बचपन से ही बहुत ज़्यादा हूँ ना, कि अगर कोई मुझे डांटे भी ना तो मैं फ़ौरन रोना शुरू हो जाती हूँ। ये बताएं कौन सी सिंगर आपकी रोल मॉडल है? एक होता है ना आप उसको माइंड में रख के गाना गाते हैं, कौन है वो? वैसे तो मैडम नूरजहाँ इंस्पिरेशन है मेरी, उनको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ मैं। हाँ जी, तो मैडम नूरजहाँ का ही कोई गाना सुनाते हैं हमें। ठीक है, मैं आपको उनकी गज़ल सुनाती हूँ, एक नियत शौक, बहुत वो मुझे अच्छा था। ठीक है, नियत शौक भर ना जाए कहीं, नियत शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियत शौक भर ना जाए कहीं, ना मिला के उदास लोगों से, ना मिला के उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियत शौक भर ना जाए कहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, इतनी माशाल्लाह इसकी प्यारी आवाज़ है और उसके सुर इतने परफेक्ट है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कि सिंगिंग करते हुए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा तंग करती है? तंग वैसे तो इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं करता, कि पहले जो हाई नोट्स होते हैं ना उनमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है मुझे। इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं फिज़ा को या भी सीख रही हैं? वैसे तो सीखूँ, लेकिन गिटार और पियानो का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, तो गिटार तो अभी नहीं मैंने सीखा, वैसे पियानो थोड़ा थोड़ा मैं प्ले कर लेती हूँ। अच्छा जी, जब ये बात सामने आ गई कि भाई फिज़ा बहुत अच्छा गाती है, घर वालों ने इस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट कर लिया था? पहले तो बहुत ज़्यादा ना घर में इशूज़ चल रहे थे, क्योंकि हम सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं ना, तो पूरा 1 ईयर ना मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस वगैरह या जितने भी शोज़ थे वो मैंने बिल्कुल नहीं किए ना, तो फिर भाई ने घर में बहुत ज़्यादा सबसे कहा कि इसका टैलेंट है, इसको इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने आफ्टर 1 ईयर दोबारा से सिंगिंग कंटिन्यू की मैंने। अच्छा, जब फिज़ा फेमस होगी, लोगों को पता चलने लग गया फिज़ा का, तो दोस्तों का, टीचर्स का, फैमिली वालों का क्या रिएक्शन होता था, कहीं भी जाती थी तो? जब फर्स्ट सॉन्ग मेरा आया था ना प्यार दिया गया, जब मैंने नेस्कैफे में परफॉर्म किया था, तो वो हर टीवी चैनल पे मतलब कि चला था ना, तो जब मैं स्कूल गई ना तो मेरी एक फ्रेंड आई, कहती मैंने तुम्हें कल टीवी पर देखा था, ऐसे सब टीचर्स वगैरह आई स्कूल में, मतलब सबकी मैं स्टार हूँ ना स्कूल में भी, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, क्लास के बाकी बच्चे स्कूल के, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी सिंगिंग को लाइक करते हैं और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा घर में भी, स्कूल में भी सब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कभी स्कूल में ऐसा हुआ टीचर्स कहें कि आज पढ़ाने का दिल नहीं कर, आज फिज़ा से गाना सुनते हैं? वैसे फ्री पीरियड जब होते हैं ना तब वो सुन लेती हैं सॉन्ग्स वगैरह। फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें भी गाना गाना सिखाएं? जी कहते हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हुरिया, वो भी कहती है कि मैंने एकेडमी ज्वाइन करनी है, ऐसा ऐसे ना काफ़ी, वो कहती है ना उसको मैं उसकी भी आवाज़ थोड़ी ना गा लेती है वो अच्छा ना, तो मुझे कहती है एकेडमी ज्वाइन करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा सिंगिंग का शौक है ना, फिर गाना भी वगैरह भी मुझसे सुन लेती है। अच्छा, जब फिज़ा कल को इंशाल्लाह एक बड़ी सिंगर बन जाएंगी तो भाई को याद रखेंगी या भूल जाएंगी? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, भाई को तो याद रखना ही है हमेशा, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँची हैं उसमें भाई ने ही आपका साथ दिया। हाँ जी बिल्कुल, भाई के साथ भी गाती हैं, कोई ऐसा गाना है दोनों ने मिल के गाया हो? हाँ जी अक्सर, वैसे अभी तक कोई ओरिजिनल तो नहीं किया, लेकिन वैसे टीवी शोज़ वगैरह इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं ना तो हम लोग वैसे अपना एक ड्यूट वगैरह कर लेते हैं।
कर लेते होते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने जब ये सिंगिंग स्टार्ट की थी तो मुश्किलात होती थी, आप कहती हाई पिच वगैरह का मसला होता था, लेकिन स्टडीज़ के साथ उसे कंटिन्यू करना इजी होता था? इजी तो नहीं लेकिन मुश्किल होते हैं, क्योंकि स्कूल से बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना, स्कूल का भी होमवर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे मैं ना मैनेज थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं ना कर लेती हूँ ना, क्योंकि एकेडमी का जो टाइम होता है ना, पहले मैं जाती थी ना अकेडमी तो 6 to 8 होता है ना, उससे पहले मैं सारा काम कर लेती थी, अब मैं घर में ही सीख रही हूँ ना, तो फिर अब इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा सिंगिंग के अलावा फिज़ा बतूल के अंदर क्या टैलेंट है? वैसे मैं टॉपर भी हूँ स्कूल में, टॉप करती हूँ हमेशा, और वैसे एनिमल्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, पेट्स रखने का, और पेंटिंग आर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ मैं, और पढ़ाई में भी हर चीज़ में अच्छी हूँ मैं। हर चीज़ में परफेक्ट है, हर चीज़ में आ गया माशाल्लाह से। पेंटिंग्स करती हैं? हाँ जी, स्केचेस वगैरह, पोर्ट्रेट्स वगैरह इजीली बना लेती वो हूँ। जो आपके घर के एंट्रेंस पे लगी हुई थी मैंने देखी, आपने बनाई है? हाँ जी। अच्छा एनिमल्स या पेट्स कौन कौन से हैं आपके पास? पहले मैंने कैट रखी थी तो, लेकिन अब नहीं, अब मेरे पास पैरट्स हैं और फिश है। कोई ऐसा काम है जो फिज़ा नहीं कर सकती हैं? अब तो वैसे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जितने भी मेरे के काम होते हैं ना, वो मैं सारे कर लेती हूँ इजीली। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 7th में। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा फिज़ा मुझे ये बताओ, आप माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हो, इतना अच्छा गाती हो, आपको क्या लगता है आपके टैलेंट के मुताबिक पाकिस्तान में क्या टैलेंट की कदर है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में ना, इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है, टैलेंट की कदर नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ऐसे हुआ कभी फैमिली फंक्शंस पे गई हैं, शादी पे, बर्थडे पे, किसी ने यार फिज़ा गाना सुना दो, यार फिज़ा गाना सुना दो? जी वैसे इवेंट्स होते हैं ना फैमिली में भी, या स्कूल में भी कंपटीशन वगैरह होते हैं, तो मैं हर चीज़ में उनके पार्टिसिपेट करती हूँ, और फैमिली के इवेंट्स वगैरह, शादी वगैरह होती है या बर्थडे वगैरह, तो उसमें भी मैं गाती हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दें, कल को एक आप बड़ी सिंगर बन जाएं इंशाल्लाह ताला। अच्छा फिज़ा एंड में क्या मैसेज देंगी आप सबको, आपकी एज के बच्चों को या जो यंगस्टर्स हैं उनको? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पाकिस्तान के जिस भी बच्चे में, बच्ची या बच्चे में जो जो भी टैलेंट है, तो उसके पेरेंट्स को उसके साथ बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, और उसको वो टैलेंट बाहर लाना चाहिए सबके सामने। इसके अलावा भी कभी बाद में कभी नेस्कैफे में गाएंगी? इंशाल्लाह ज़रूर, जब जब बड़ी सिंगर बन जाऊँगी तो फिर तो ऑब्वियसली हर प्लेटफॉर्म में ही गाऊँगी। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आपका ड्रीम हो कि यार इसमें गाना है, चाहे कुछ हो जाए इसमें गाना है मैंने? कोक स्टूडियो में अभी तक मैंने नहीं गाया, तो वो मेरा ड्रीम है कि मैं उधर गाऊँ। आपने देखा मेरे साथ फिज़ा मौजूद थी, जितनी फिज़ा प्यारी है उतनी ही उसकी आवाज़ प्यारी है माशाल्लाह, इतनी टैलेंटेड बच्ची है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सारे टैलेंट हैं फिज़ा के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि फिज़ा हमें एक और गाना सुना दे, क्योंकि इसकी बहुत प्यारी आवाज़ है। ठीक है फिज़ा, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े ज़्यादा बोल सुनाने हैं। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यारे अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूँ, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूँ, तेरा मेरा है प्यारे अमर। बहुत खूब फिज़ा, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को भी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी।